स आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन वेलकम बैक टू माई चैनल सैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स हेयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बी एस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प अवर टू डेज कोर्स इज इंग्लिश टू ग्रामर एंड आई एम आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक रिकोगनाइज एंड इंटरप्रेट कोहेसिव डिवाइस कोई अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल

एक्सप्लें किए होते हैं स्पोर्ट और गिव examples और जिनके बारे में एग्ज़ैम मसाले दी जा चुकी होती हैं ऑफ़ द मेन आइडिया ऑफ़ द पैराग्राफ पैराग्राफ के मरक़ी ख्याल में द मोर difficult job involved इज़ द selection ऑफ few कीज़ और इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स डेट clearly support स्पोर्ट द मेन आइडिया और इसमें सबसे मुश्किल काम यह होता है कि इसमें कुछ कीज़ की सिलेक्शन करनी होती है और जो बहुत मुश्किल काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स डेट क्लियरली सपोर्ट द मेन आइडिया और सबसे अहम अनवाना या डिटेल जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं क्लियरली कोहेसिव डिवाइस कोहेसिव डिवाइस समटाइम्स आर कार्ड लिंकिंग वर्ड्स लिंकर्स कनेक्शंस और ट्रांसिशनल वर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट मिस अंडरस्टूड एंड मिसयूज पार्ट ऑफ रंग कोहेसिव डिवाइस अक्सर औकात लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं यानी कि एक दूसरे को जोड़ने वाले लिंकर्स या कनेक्शंस और ट्रांसिशनल वर्ड्स आर और ये राइटिंग में तहरीरी शक्ल में नामनासब और ना समझने वाला एक हिस्सा है फॉर एग्ज़ाम्पल इन कंक्लूजन हाउ एवर आन मोर एवर और ये मसाल है रिकोगनाइज रिकोगनाइज डिवाइस की जो एक दूसरे को यानी कि इन कंक्लूजन में यूज होते हैं हाउ एवर और मोर ओवर के तौर पर कोशिड डिवाइस टेल द राइडर राइन से डिवाइस है वाट वी आर डूइंग डूंग देंटेंस कि हम सेंटेंस में क्या कर रहे हैं एंड हेल्प टू गाइड दैम थ्रो रीडिंग और इनको गाइड करता है इनकी रहनुमाई में है, मदद करता है तहरीरी फॉर्म में राइटिंग के जरिए फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिस सिटी इज़ अनरेबल एंड इट्स चीप जैसा मिसाल के तौर पर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकबिल है और यह सस्ती है द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिस सिटी इज़ अनेबल बट इट्स चीप शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एतबार लेकिन सस्ती है यह है कोहेसिव डिवाइस की एग्जाम्पल फॉर्म्स ऑफ कोहेसिव डिवाइस कम्पेरिजन आल्सो इक्वल सिमिलरली कॉन्ट्रेस्ट इंस्टिट इन कॉन्ट्रेस्ट एग्जाम्पलीफिकेशन फॉर एक्ज़ैम्पल सच एज नेमली result so therefore thus addition and also two sequencing first second next after them guys ये था आज का टॉपिक recognize and inter interrupt cohesive device आप सोच रहे हो, होते हैं कि सोच रहे होंगे कि ये इतने शॉर्ट्स टॉपिक बनाती है शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाती है लेकिन गाइस बीएस इंग्लिश में ग्रामर टू में शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है किसी भी वो यानी कि किसी भी क्वेश्चन के मतलब पूछ लें उसमें शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है जैसे कि अब ये क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा अगर अकेला आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि रिकोगनाइज एंड इंटरप्ट एसिडवाइस क्या है अगर ये लॉन्ग में आएगा तो इसके साथ कोई और क्वेश्चन यानी कि दिया होगा कि ये इसकी डेफिनेशन करें और इसकी डेफिनेशन करें इस तरह Thanks for watching this video please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my new videos Allah